लखनऊ के सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर मातृशक्ति को कई उपकरण भेंट किए। उन्होंने कहा कि सरोजनी नगर क्षेत्र का निरंतर विकास होता रहेगा। विकास और अन्य पहलू को लेकर विधायक राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद सिंह चौहान ने। हमारे साथ विधायक राजेश्वर सिंह जी हैं, जो आज उनके 2 साल राजनीतिक कार्य के पूरे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या बोले आज आपके 2 साल। यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। जितना हृदय से वो प्यार करते हैं, जितना अपार जन समूह आया सवेरे से आशीर्वाद देने के लिए, हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सरोजनी नगर मेरा परिवार है। 2 वर्ष से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ निरंतर विकास के काम हो। आज हमने 100 सिलाई केंद्र स्थापित कर दिए मातृशक्ति के लिए। हमारा प्रयास था कि ये 5 वर्ष में हो, लेकिन यहाँ मातृशक्ति की ऊर्जा इतनी है, इतना ज्यादा उनमें उत्साह था काम करने के लिए कि 1 वर्ष में हमने पिछले वर्ष शुरू किया था। आज 30 और केंद्र देके 100 केंद्र स्थापित हो गए हैं। युवाओं के क्लब स्थापित हो गए हैं, युवा खेल रहा है, मेधावी बच्चों का सम्मान हो रहा है, बुजुर्ग लोगों के लिए रामरथ चल रहा है। सरोजनी नगर तो मेरा परिवार है, यहाँ के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक में क्या अंतर है? नहीं, यहाँ तो जनता बहुत प्यार करती है। प्रशासनिक सेवा में जनता से मिलना आपका कम होता है, यहाँ तो आपके दरवाजे हर समय जनता के लिए खुले रहते हैं और यहाँ जो जनता का प्रेम होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लिए आगे कौन कौन सी और योजनाएं आपकी? सरोजनी नगर को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना है। स्टेट कैपिटल रीजन का प्रोजेक्ट आया, सरोजनी नगर का विकास हो रहा है। अशोक लीलैंड की फैक्ट्री सरोजनी नगर में आई, सरोजनी नगर का विकास हो रहा है। T3 का कल टर्मिनल सबसे बड़ा उद्घाटन हुआ है, 11वां सबसे बड़ा हिंदुस्तान का टर्मिनल है, सरोजनी नगर का विकास हो रहा है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ROBs बन रहे हैं, लगातार काम चल रहा है। सरोजनी नगर को हम लोग का संकल्प है एक बहुत उत्कृष्ट विधानसभा बनाना। आपको लोकसभा चुनाव लड़ने का भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरोजनी नगर से बहुत संतुष्ट हूँ, जनता यहाँ की बहुत प्रेम करती है, यहीं रहना। हमारे साथ विधायक राजेश्वर सिंह जी थे, उन्होंने बताया कि आज 2 साल पूरे हुए, सरोजनी नगर पूरी तरह से विकसित हो रहा है और विकास के डोर पे चल रहा है, विकास होगी। TV24 के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ।